मित्र नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। छठ महापर्व को लेकर आज हमारी मौजूदगी लक्ष्मण मेला घाट में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छठ महापर्व को लेकर किस तरह से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि छठ महापर्व जो है ये मुंगेर जिले से शुरू हुई थी, ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने छठ का पहला जो व्रत था वो मुंगेर के गंगा तट पर शुरू किया था और तभी से इस पर्व की शुरुआत हो गई। माना जाता है कि इस पर्व को अक्टूबर और नवंबर के महीने में किया जाता है। दिवाली के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है और ये पर्व बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार का महापर्व होने के बाद इस छठ को हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोग किस तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास है, इसकी तैयारियां कितने दिनों से शुरू हो गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और जो इस तरह से बनाया जा रहा है इसका क्या महत्व है। मैम, आपका नाम? डॉक्टर शालिनी चंद्रा। मैम, मुझे बताइए कि जिस तरह से छठ का पर्व लोग मना रहे हैं और धूमधाम से तैयारियाँ हो रही हैं, तो इसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है, ये पूर्वांचल का ये त्यौहार है, व्रत है, ये छठ पूजा होता है। ये छः दिन जो है, तीन दिन लगातार जो है बाद पूजा हो शुरू हो जाता है और तीन दिन लगातार पूजा हो। तो जैसा कि बिहार का ये बहुत ही पसंदीदा त्यौहार है छठ, लेकिन अब हर जगह लोग इसे पसंद कर रहे हैं और ये एक तरह से लोग मनाते हैं धूमधाम से, तो आप इसकी तैयारियाँ कब से कर रही हैं? वही छः दिन बाद जो है दिवाली के छठे दिन जो है ये व्रत किया जाता है। पांचवा दिन छठे दिन व्रत किया जाता है, उसके बाद से आठ सातवें दिन पूजा करके तब हम लोग घर लौट। तो आप लोग लगातार इस तैयारियों में जुटी हुई? हाँ जी जी। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें पहले खरना होता है, फिर नहाए खाए होता है, फिर शाम की पूजा होती है छठ की, फिर सुबह सूर्य की पूजा होती है इसमें। बिल्कुल, शाम को खरने के दिन शाम को रसियाव और रोटी और ये सब बनता है, फिर खाते हैं, फिर 24 घंटे व्रत रहते हैं। तो पहले 24 घंटा व्रत, 24 घंटे व्रत रखने के बाद आप लोग फिर उसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैम, आप लोग बिहार की? हाँ, मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी मेरी बिहार साइड में हुई है। बिल्कुल, तो ये त्यौहार जाहिर सी बात है मनाते हैं हम लोग, हम बिहार के हैं। बिहार की इसमें और अभी कितना टाइम लगेगा? नहीं, अब हो गया, अब थोड़ा सा कलर कर देना है। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आप बना रही हैं ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो वो माता रानी के ये सिरसोभिता बोलते हैं, सिरसोभिता, इसी पे हम लोग शाम को घाट बनाते हैं। ये घाट पे सिरसोभिता बनता है, इस पर पूजा करेंगे, फिर ये नदी में उतर के और सूर्य भगवान को जल देंगे और अर्घ देंगे, सूप में सारा फल वगैरह रख के सब कुछ करके और सूर्य भगवान को पूजा करेंगे और फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं सुबह शाम और यहाँ भी पूजा करेंगे और सूर्य भगवान को घाट पानी में। तो पहले ये जो आप बना रही हैं इसकी पूजा करने के बाद आप जाके घाट में? हाँ, फिर जो है सूर्य डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को, जी दोनों की पूजा की जाती है ना जब सूर्य उगता है। पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा होती है जी, कहा जाता है। और पूजा में डूबते हुए सूरज की कभी पूजा नहीं, तो हमेशा उगते हुए सूरज की पूजा होती है। छठ पूजा, ये छठ पूजा में ही डूबते हुए और उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं। बिल्कुल, डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और उगते हुए सूरज की। और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
और बस बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, पति के लिए ये व्रत रखा जाता है अपने परिवार में जो है। बहुत सुख शांति बनी रहे, शांति, बेटे को भी आयु बढ़े, उन्नति करें, और ये माँ अपने बेटे के लिए, पति के लिए सभी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि जो छठ बिहार में बहुत ज़्यादा धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप ये नज़ारा राजधानी लखनऊ में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार तैयारियां चल रही हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये नज़ारा गोमती नदी के पास एक घाट बनी हुई है, वहाँ का है। छठ महापर्व को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं तैयारियों में जुटी हुई हैं। मैम, आपका नाम? अंकिता पांडे। अंकिता जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से छठ महापर्व को लेकर तैयारियां हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये पर्व क्या मतलब, एक त्यौहार की तरह है हम लोगों के लिए। दीपावली से भी ज़्यादा उत्सव महोत्सव इसमें मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस पर्व को लेकर के होता है, क्योंकि ये हमारे साइड का भी, गोरखपुर साइड का, बिहार साइड का एक महत्वपूर्ण पर्व है, तो दीपावली से भी ज़्यादा इसको महत्वता दी जाती है। बिल्कुल, जैसे कि बिहार का ये छठ जो है, ये महापर्व होने के साथ साथ आप देख सकती हैं कि किस तरह से हर जगह लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाने लगे। इसका महत्व अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, क्योंकि सबको इसकी महत्व का मतलब पता लग गया है कि ये छठी मैया का जो व्रत है, सूर्योदय जो है, वो इतने महान है कि किसी की भी विनती हो, किसी की भी इच्छा हो, उसको पूरी करने का सबसे ज़्यादा इनमें पावर है। जैसे कि आप ये बना रही हैं, तो इसका क्या महत्व है, मैं दर्शकों को बताएं। ये बेदी है, छठी मैया की बनाई जाती है, इस बेदी पे ही हम पूजते हैं, इसको कोई पैर नहीं लगाता है, क्योंकि इसको पूजा जाता है। तो ये मात्र एक ईंटे पत्थर का वो नहीं है, ये एक माता जी की वो है जो बनाई जाती है, जैसे शिवलिंग आप कह सकते हो, उसी तरह इसको बना करके भी इसका महत्व बढ़ाया गया है। तो आप ये छठ की तैयारी में कब से लगी हुई हैं? ये तो हमने 3-4 दिन पहले बनाया था, मतलब दिवाली से पहले ये मैं बना के गई थी। आज मैं इसको सजाने आई हूँ, क्योंकि माता रानी इस पर विराज होंगी, तो इसको सजा करके बैठाएंगे उस पर इनको, तो आज तैयारी तो आज से शुरू हो गई है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग छठ के त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ नज़रिया है। मैम, आपका नाम? संगीता सिंह। संगीता जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से छठ बिहार का महापर्व होने के साथ साथ हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और महिलाओं पे एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है चेहरे पे, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो हम लोग की पूर्वांचल की प्रसिद्ध है, हम लोग बहुत इस श्रद्धा पूर्वक से छठ पूजा करते हैं, और हमारे घर परिवार में भी होता है। अब मेरी एक लड़की हुई, छठ माँ से मैं लड़का मांगी और मेरा लड़का हुए। मतलब कहीं ना कहीं जो मन में आस्था होती है, जो मुरादें होती हैं, सारी पूर्ण होती हैं। जी, पूरी होता है, श्रद्धा मन से पूरा होता है। आप इस तैयारियों में कब से लगी हुई हैं? अरे, ये तो एक हफ्ता हो गया यहाँ आना जाना करना। तो ये किस चीज़ का, ईंटे सीमेंट? ये इसके अंदर गुम्मा है और ये सीमेंट है। क्या महत्व है इसका? ये महत्व है कि ये मेरे लड़का की निशानी है, जो मैं छठ माँ से मांगी और बोली थी कि मेरा जब लड़का होंगे तो मैं आपको पक्की बना। तो क्या आप कोई, आप जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि आप बिहार की हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको बहुत सारे गीत भी आते होंगे छठ पे, तो हमारे दर्शकों को सुनाए। ही बासे की बहंगिया बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा, बाटा जे पूछेला बाटोहिया, ई बहंगी के कारा के जा, ई बहंगी के कारा के जा, आखा तोरा फूटे रे बाटोहिया, ई बहंगी छठी मैया के जा, ई बहंगी छठी मैया के जा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा ये है कि जो आपने बहुत प्यारा गीत हमारे दर्शकों को सुनाया, इससे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस यही सब है, मेरी छठ माँ की महिमा और कृपा जो हम लोग श्रद्धा पूर्वक से करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के चेहरे खिलखिला रहे हैं इस छठ महापर्व को लेकर, और कहीं ना कहीं देखा भी जा सकता है और आप लोगों ने भी सुना कि ये दीपावली के बाद मनाया जाता है, लेकिन दीपावली से भी बढ़कर लोग इसे मनाते हैं। दर्शकों, छठ महापर्व को लेकर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रभुनाथ राय जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे छठ महापर्व पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारियों में लगे हुए थे। सर, जैसे कि छठ महापर्व है ये आज से शुरू हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, छठ पूजा की तैयारी तो करीब 2 महीना से चल रहा है, और आज खाए नहाए मतलब कि छठ पूजा की पहली तैयारी। सारे लोग घर से लेके घाट तक जो है पूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं, घरों में सफाई चल रही है, घाट पर भी सफाई चल रही है, और आज से लोग बिस्तर पर नहीं सोएंगे। आज शाम को लौकी की सब्जी और चने की दाल और रोटी खा के आज रात भर, कल दिन भर, फिर कल शाम को तक उपवास रखेंगे, और इसको कहते हैं छोटी छठ। शाम को, कल 6 तारीख को शाम को लोग रसियाव और रोटी खा के फिर 8 तारीख को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। यह भगवान भास्कर का पूजा है, भगवान सूर्य का पूजा है, नाम इनका दीनानाथ है। दीनानाथ मतलब गरीबों के मालिक हैं, और इनकी पूजा करने से आदमी स्वस्थ और दीर्घायु होता है, परिवार में सुख समृद्धि होती है। आप जानते हैं कि यह साक्षात देव के रूप में है, यह जीवनदाता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं। तो यह भले ये छठ पूजा पूर्वांचल और बिहार से शुरू हुआ, लेकिन इनकी महिमा से पूरे दुनिया में छठ पूजा मनाई जा रही है। छठ पूजा का विशेष महत्व है, और छठ पूजा 2 बार मनाई जाती है, एक तो चैत में और दूसरा जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष को। तो यह जो छठ पूजा का जो आयोजन है, यह बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से हम लोग इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज है, जो लक्ष्मण मेला मैदान में जो कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, 7 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वयं वो यहाँ अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद मंच पर उनका सम्मान होगा, और 7 तारीख को 2 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू है, जिसमें कल लगभग 150 कलाकार भोजपुरी के आ रहे हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये जो छठ महापर्व है, लोगों का लगातार कहना है कि दिवाली से भी ज़्यादा इसमें उत्साह है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, ये जो छठ महापर्व है इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत बड़ा पर्व है, ये जो है पर्व बहुत जो है अच्छा होता है, इसलिए सभी लोग करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही हर जगह होने लगा है। जैसे कि पहले बिहार में ये होता था, लेकिन अब लगातार हर जगह हो रहा है। इसका बहुत उत्साह रहता है कि कब आएगा छठ व्रत। वो तो आप लोगों के चेहरे की खुशी जाहिर कर रही है कि छठ महापर्व का एक अलग ही खुशी है। तो मैम, जैसे कि आप बिहार से हैं, तो आपको कुछ गीत भी आते होंगे, तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाटे जे पूछे रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, आँखी तोरी फूटे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए, होई ना बालक जी सहैया, घाटे डाला पहुँचाए, घाटे डाला पहुँचाए। दर्शकों, छठ महापर्व पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण मेला घाट में कुछ कलाकार आए हैं, और अपनी खूबसूरत सी कलाकृति के द्वारा छठ महापर्व को और भी अनोखा बनाने के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे, और इनकी प्यारी सी जो मधुर जो गाने होंगे, जो गीत होंगे, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि छठ महापर्व है जो बिहार से शुरू होकर और देश में अब हर जगह लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और महिलाओं के चेहरे पर, लड़कियों के चेहरे पर कल ये खुशी होती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये छठ का पर्व देख ही रहे हैं कि कैसे हम लोग मना रहे हैं, गा करके, छठ गीत गा करके, मतलब बहुत उत्साह रहता है।
तो आप लोग इस तरह से लगातार कितने सालों से जा रही हैं ऐसे ये अपनी खूबसूरत सी कलाकृति को दिखाने के लिए? छः सालों से हो गए। तो आप लोग हर बार अलग अलग जगहों पर जाती होंगी? हाँ, अलग अलग घाट पर जाते हैं हम लोग। और मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम है बट बहुत अच्छा लग रहा है। मैम जरा एक गाने से अपनी खूबसूरत सी गीत से हमारे दर्शकों को सरा बोर कर दीजिए। जी जी हाँ, सही बोला। दे दो। कल पहले भेजाला कट पेले भिजाला तिवैया हो गे हैं दीनाना, हो गे हैं दीनाना। कट लो से कटे ना समैया हो गे हैं दीनाना, हो गे हैं दीनाना। तीन दिन भूखे के असरा लगा के कालू से निहारे राह घटिया पाके, भूखे के असरा लगा के कालू से निहारे राह घटिया पाके। बड़ी देर भैले गोसैया हो गे हैं दीनाना, हो गे हैं दीनाना। भेजाला तिवैया हो गे हैं दीनाना, हो गे हैं दीनाना। लल की ललैया से होई ना इशारा केहू नाही जागे सुतल रही जग सारा, लल की ललैया से होई ना इशारा केहू नाही जागे सुतल रही जग सारा। जो है राह फूल मो पतैया हो गे हैं दीनाना, हो गे हैं दीनाना, हो गे हैं दीनाना। तो दर्शक खा कि किस तरह से छठ महापर्व में चार चांद लगाने के लिए लक्ष्मण मेला घाट पे कुछ कलाकार मौजूद हैं, इनकी इतनी खूबसूरत प्रस्तुति रही, इतना खूबसूरत गीत रहा, ऐसा लग रहा था मानो इनके गीत में सराबोर हो जाएं। आप सभी दर्शकों को एनटीवी निष्पक्ष की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, एनटीवी निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।